हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इंडिकेटर्स की मदद से एसिड और बेस को पहचानेंगे। लिटमस पेपर तो आप सभी जानते होंगे, लिटमस पेपर की मदद से हम एसिड और बेस को पहचानते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। आप सभी जानते हैं कि लेमन नींबू एक एसिड है क्योंकि वो सार होता है टेस्ट में, और उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि जो डिटर्जेंट्स है वो बेस है क्योंकि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और वो सॉपसी नेचर का होता है तथा वह कड़वा होता है स्वाद में। तो आइए मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको कुछ इंडिकेटर से मुलाकात करवाती हूँ। आइए अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक एसिड है और ये डिटर्जेंट एक बेस है, ठीक है। ये आप जानते हैं ये क्यों, इसके बारे में आपको मैंने आपको बता दिया है। ये है हमारे इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर्स है हल्दी, दूसरा है आपका चुकंदर जिसे हम बीटरूट्स कहते हैं, और चाइना रोज। आइए एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले मैं टर्मरिक सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट देखूंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने दिया टर्मरिक थोड़ा सा और इसमें अब वाटर टर्मरिक सोल्यूशन के लिए। अब मैं इसमें दूंगी डिटर्जेंट जो कि एक बेस है, और जैसे ही हम टर्मरिक में बेसिक मिलाएंगे तो देखिएगा इसका जो रंग है वो ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। आप सभी को दिख रहा है कि कलर कैसा हो गया, ब्राउन। यानी कि हम कभी भी टर्मरिक में बेस को मिलाते हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। जब मैं इसमें एसिड मिलाऊंगी तो इसका कलर फिर पीला हो जाएगा, जैसा कि वो था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। चाइना रोज वाटर। अब हम इसमें डिटर्जेंट मिलाएंगे तो देखिए इसका कलर कैसा ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। और जब हम इसमें एसिड सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसका कलर मैग्नेंडा रंग में हो जाएगा। मैग्नेंडा का मतलब होता है हल्का पिंक और पर्पल टाइप्स का कलर। देखिए आप, ये बिल्कुल मैग्नेंडा कलर का हो गया है, दिख रहा है आपको। अब हम देखेंगे बीटरूट्स के जूस पे, ठीक है। तो जब मैं इसमें डिटर्जेंट डालूंगी, रेड से कैसे ब्राउन कलर में चेंज हो गया आपको दिख रहा होगा। बीटरूट्स में जब भी बेस डाला जाता है तो वो उसके कलर को और भी गाढ़ा कर देता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये देखिए जब मैं इसमें एसिड डालूंगी तो ये वो वापस अपने ही कलर में आ जाएगा। जब हम बीट सूट में एसिड डालते हैं तो वो उसकी कलर को और भी लाइटर बना देता है, और भी हल्का बना देता है और लाइट करने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये उसी कलर में लाइट कर रहा है। तो देखा आपने कैसे हमने एसिड बेस को आसानी तरीके से पहचान कर लिया इंडिकेटर्स के मदद से। इसी का नाम इंडिकेटर्स होता है, जो ये बताए कि एसिड क्या है और बेस क्या है। इसी तरह की नॉलेजदार वीडियो को जानने के सब्सक्राइब करें चैनल माया एकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक।